15/12/2021 को चाइल्डलाइन हिसार हरियाणा ने फ़ोन करके हमको अवगत कराया कि एक बच्चा है आपकी जनपद का। बच्चे का हमने हरियाणा के चाइल्डलाइन से नाम पता लिया, उस पता पे सर्च किया तो पता चला कि हमारे यहाँ एक सोहरामऊ के थाने के अंतर्गत जयतीपुर जगह पड़ती है, जयतीपुर के गांव है जो, उस गांव का ये बच्चा रहने वाला हो। और उसके बाद में ये बच्चा प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रह रहा था अपनी माँ के साथ में। फिर हम लोगों ने लखनऊ में संपर्क किया, इसकी FIR पंजीकृत थी थाना सियाना लखनऊ में। हमने लड़के से बात की वीडियो कॉल से, लड़के की फ़ोटो मंगाया, लड़के से बातचीत हो गई मेरी, तो फिर हमने संबंधित फ़ोटो जो पता चल गया हमने गांव सर्च कर लिया। अभी लोगों ने जो वहाँ लोकल निवासी थे उन लोगों ने भी मदद की हमारी, हमारे स्टाफ ने, चाइल्डलाइन उन्नाव ने, DCP उन्नाव ने, सब लोग मिल करके बच्चे को सर्च करने लगे। रात में ही बच्चे, उसके 7 बजे फ़ोन आया था मेरे पास, 8:30 बजे हम लोगों ने सर्च कर लिया। उसके बाद इसकी माँ को तथा इनके पिता से जब मेरी बात हो गई, फिर माता और पिता का नंबर हिसार चाइल्डलाइन को दिया गया, जिससे कि इसकी बात कराई गई। SO जो थे आपके आसियाना लखनऊ, उनके द्वारा बताया गया, जब आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चा यहीं का है, उसके बाद में इनकी माँ गई थी और बच्चे को लेकर के आ गई है। बच्चा अपनी माँ के साथ खुश है। इसका रूट क्या रहा? ये बच्चा अपने घर से 9/12/2021 को आसियाना से निकला था। सबसे पहले नहरिया गया, एक लखनऊ जगह पड़ती है, उसके बाद ऑटो से ये चारबाग गया, चारबाग से बस में ट्रेन में बैठ के ये सीधे पटना चला गया। शाम को 7 बजे लखनऊ से ट्रेन में बैठा और सुबह बता रहा है कि 6 बजे हम पटना पहुंच गए। पटना में इसने छोले भटूरे खाए स्टेशन पे ही, उसके बाद दूसरी ट्रेन पकड़ लिया। जब दूसरी ट्रेन पकड़ लिया तो हरियाणा हिसार पहुंच गया। वहीं पे एक ट्रेन में फौजी कोई बैठा था, जैसा कि बच्चा बता रहा है हमारा, तो उस फौजी ने संबंधित GRP को फ़ोन किया। फिर GRP तथा चाइल्डलाइन ट्रेन से ही इस बच्चे को अपने साथ लिए, उसके बाद मुझे फ़ोन करके अवगत कराया कि ये बच्चे को हम लोग सकुशल उसके माता पिता को सौंप पाए।